कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 3 राहुल नगर में मटके का अवैध धंधा करते हुए जिस आरोपी को वांटेड बताया जा रहा है वह आरोपी राजकीय यानी राजनीतिक मंचों पर दिख रहा है। यह खबर इन दिनों उल्लासनगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी पर कमल भटीजा क्या बता रहे हैं देखते हैं। जैसे मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में क्लियरली आपको बताया था कि ये ओमी कालानी जो फरार आरोपी है कोलसावाड़ी पुलिस स्टेशन FIR नंबर 695 में, उसके जो जुआ के अड्डे चलते हैं जिसमें एक माइकल हुआ जो उसके घर से आधा किलोमीटर दूरी पे है और संदीप गायकवाड़ जिसका टेलीफोन एक्सचेंज के सामने जुगाड़ का अड्डा है जिसमें मटका आसरा रमी अंदर बाहर घोड़ी ये सब के संगीन दो नंबर के काम चल रहे हैं और वो मटका किंग स्टेज पे जो 13 तारीख को सेलिब्रेशन होटल में कालानी परिवार ने मीटिंग बुलाई थी कालानी समर्थन होगी उसमें वो स्टेज पे उनके साथ में बैठा हुआ है। तो इतना बड़ा गुनाहगार जो ज्योति कालानी MLA है उनके साथ पंचम कालानी मेयर है उसके साथ और खुद ओमी जो कालानी जो फरार आरोपी है पुलिस का चार्जशीट में वो मिलता नहीं है उनके साथ में स्टेज पे एक दिखता है तो उसका क्या संकेत आए। जो मैंने जो पिछले एपिसोड में जो दिए थे उनका सीधा सीधा पुरावा है कि मैंने जो बोला था कि ओमी कालानी की इनके साथ में भागीदारी है इनकी सांठगांठ है और संदीप गायकवाड़ जो वेश्यागिरी में लिप्त है उनके साथ में स्टेज पे फोटो है इनके साथ में शेयर करता है ये काफ़ी कुछ संगीन बात है। शहरवासियों को सोचना चाहिए समझना चाहिए कि आप जो क्राइम ये जो बोलते हैं कि हम लोग क्राइम को बढ़ावा नहीं देंगे और सुरक्षित उल्लासनगर देंगे तो ये क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या ये सुरक्षित उल्लासनगर आप देंगे जो भविष्य में आने वाला विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है इससे आप सतर्क हो जाइए। और ऐसे बहरूपियों पर जो मैं टाइम के ऊपर इनका चेहरा जो है नकली चेहरा जो मुकुट ओढ़ के बैठे हैं और जो शराफत की आर में बेईमानी का धंधा खोल के बैठे हैं जिसका मैंने पूरी पिछली बार खुलासा भी किया था ये जो शहरवासियों को सीधा सीधा उदाहरण है कि ये कितने इसमें क्राइम में लुप्त हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कितना बढ़ावा देते हैं और कैसे क्राइम के ऊपर अपना करके उल्लासनगर में दहशत कर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी इलेक्शन आई है नज़दीक आई है कालानी परिवार शहर में दहशत का माहौल क्रिएट करते हैं दहशत का माहौल बनाते हैं जिससे उनके दहशत के माहौल के बल के ऊपर वो अपनी इलेक्शन जीत जाए और उनके ऊपर वो ये दहशतवाद का कायम रखे। एक बार सच जो है उल्लासनगर शहरवासियों के सामने आ गया है ये पूरे अभी एपिसोड में पूरा साफ साफ निकला दिखाई पड़ रहा है कि कालानी परिवार के दुगला रूप क्या है उनका दुगलापन क्या है और वो जो दावा करते हैं उल्लासनगर एक क्राइम मुक्त देंगे सुरक्षित उल्लासनगर देंगे क्या इस संदीप गायकवाड़ का जो हार्डकोर क्रिमिनल है जो इतने झूठे इतने सब अवैध धंधे करता है उन जो मिली भगत है ओमी कालानी इनके साथ में ऐसे गुनाहगारों को लेके उल्लासनगर सुरक्षित देंगे ये सब क्लियरली इनके सामने आ गया कि डोंग है इनका बहरूपियापन आ गया है। मेरी निवेदन है उल्लासनगर शहरवासियों से कि आप चौकन्ना हो जाइए सतर्क हो जाइए और जो इनका जो दुबलापन है और जो झूठ के आधार पर अपनी रोटी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं इनसे सतर्क होइए और आने वाली विधानसभा में एक समक्ष साफ सुथरे कैंडिडेट को वोट दीजिए जैसे हमारा उल्लासनगर एक उज्ज्वल भविष्य सुंदर और सुशील उल्लासनगर बन सके और आने वाले कल में हम अपने बच्चों को एक सुंदर फ्यूचर में जो है अपने बच्चों को एक सुंदर उल्लासनगर सुशील उल्लासनगर दे सके। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।